हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बिल्कुल आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। स्वागत है आपका रेडियंट जोन में। ठीक, चलिए आज का जो टॉपिक होगा ये है वन लाइनर करंट अफेयर्स का। ये जो टॉपिक है जो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं वन लाइनर करंट अफेयर्स का है, और इसका हमने नाम दिया है दोस्तों टी टाइम ब्रेक। इसका नाम है टी टाइम ब्रेक, यानी चाय पीते हुए, चाय की चुस्की लेते हुए आप 5 से 6 मिनट के अंदर में इस करंट अफेयर्स को क्या करिए, सुन लीजिए और रट लीजिए। ये एकदम छोटा सा होगा, वन लाइनर होगा, आपको एक बार दो बार सुन लेना है चाय की चुस्की लेते हुए, ठीक है ना? इसलिए हमने इसका नाम दिया है टी टाइम ब्रेक। ठीक, तो चलिए ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए हम अपने पॉइंट पे आते हैं। बातें होती रहेंगी, वो बातें क्या होगी कि रेडियंट जोन को आपको एकदम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना है। तो आइए अपने पॉइंट पे आते हैं कि आज का जो करंट अफेयर्स है, वन लाइनर है, वो क्या है। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एकदम फोकस होकर बस केवल और केवल पाँच मिनट, ठीक है ना? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहला जो करेंट अफेयर्स है वो है अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2019 कहाँ पे हुआ था? तो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2019 हुआ था दोस्तों अहमदाबाद। ये कहाँ पे है? तो गुजरात में है। तो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2019 कहाँ पे? तो अहमदाबाद में। दूसरे पे आइए, देश के पहले राष्ट्रीय भारतीय सिनेमा संग्रहालय कहाँ पे खोला गया? तो मुंबई में देश के पहले राष्ट्रीय भारतीय सिनेमा संग्रहालय को खोला गया। तीसरे पे आइए, विश्व ब्रेल दिवस, जिनको दिखाई नहीं देता उनके लिए क्या चीज, ये ब्रेल लिपि का आविष्कार हुआ था और उसी के संदर्भ में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाई जाती है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इस बार जरूर वोटिंग करनी है, ठीक है ना? वोट सब कोई करिएगा। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाई जाती है। ठीक, अब इस बार का राष्ट्रीय मतदाता दिवस का थीम क्या होता है, उसका मेन जो उद्देश्य है थीम क्या है? तो थीम है कोई मतदाता ना छूटे, इस बार के राष्ट्रीय मतदाता दिवस का थीम है। आगे आइए, 2019 ग्लोबल स्किल समिट का आयोजन कहाँ किया गया? 2019 ग्लोबल स्किल, स्किल का मतलब कुशलता, वैश्विक कुशलता सम्मेलन 2019 कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये रांची में किया गया। झारखंड की राजधानी कहाँ पे है? रांची। भारतीय महिला जैविक उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में भारतीय महिला जैविक उत्सव का आयोजन किया गया, ठीक है ना? एकदम टी टाइम ब्रेक है ये। गुरु गोविंद सिंह की 352वीं जयंती, गुरु गोविंद सिंह सिख के, ये सिखों के धर्म गुरु थे, तो गुरु गोविंद सिंह की 352वीं जयंती के अवसर पर कितनी राशि का स्मारक सिक्का जारी किया गया? तो 350 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया गुरु गोविंद सिंह की 352वीं जयंती के अवसर पर, ठीक है? आगे आइए, वुड ब्राउन तितलियों की खोज कहाँ पे की गई अभी हाल ही में? वुड ब्राउन तितलियों की खोज कहाँ पे की गई? तो कंचनजंगा पार्क में वुड ब्राउन तितलियों की खोज की गई है दोस्तों। वो कहाँ पे है? तो ये सिक्किम में स्थित है, ठीक है ना? चलिए आगे आइए, संसद द्वारा, काफी ये सेंसिटिव रेलिवेंट मुद्दा है, संसद द्वारा उच्च जातियों को जो आर्थिक रूप से कमजोर थे लेकिन वो सवर्ण जाति से बिलोंग करते थे, तो संसद द्वारा उच्च जातियों के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को कितना प्रतिशत का आरक्षण दिया गया? तो 10% का आरक्षण दिया गया उच्च जातियों के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर है। और इससे संबंधित
जो संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया दोस्तों, वो कौन सा संविधान संशोधन विधेयक था? तो 124वां संविधान संशोधन विधेयक के रूप में उच्च जातियों के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनके लिए आरक्षण का 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। चलिए आगे आइए, राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने 2019-20 के बजट में, किस राज्य सरकार ने 2019-20 के बजट में हर दुल्हन को, प्रत्येक दुल्हन को, यानी जिस लड़की की शादी हो रही है, तो किस राज्य ने 2019-20 के बजट में हर दुल्हन को एक तोला सोना देने की घोषणा की है? एक तोला सोना देने की घोषणा की है, तो वो कौन सा राज्य है? असम। वो है असम राज्य है दोस्तों, ठीक है ना। फिर आगे आइए, देश का सबसे लंबा सिंगल लेन स्टील केबल ब्रिज का उद्घाटन, देश का सबसे लंबा सिंगल लेन स्टील केबल ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया, ठीक है ना दोस्तों। तो ये रहा आज के आपका टी टाइम ब्रेक का करेंट अफेयर्स। ऐसे चुनिंदा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो आपके एग्जाम के पर्पज से चुनिंदा करेंट अफेयर जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, वन लाइनर के रूप में हम आपको लेके आएंगे टी टाइम ब्रेक के रूप में, यानी चाय की चुस्की लेते हुए। बस आपको एक बार देख लेना है, मन में याद हो जाएगा और आपका करेंट अफेयर्स भी लगातार मजबूत होते रहेगा। ये कंटिन्यू करेंट अफेयर्स की सीरीज चलेगी। इसके अलावा भी हम करेंट अफेयर्स आपको पढ़ाएंगे, वो दूसरे रूप में होगा। ये किस रूप में है? वन लाइनर के रूप में, और ये टी टाइम ब्रेक के रूप में जानी जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आज के लिए बस इतना हूँ, आशा करता हूँ बिल्कुल आपको एकदम मजा आया होगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।